हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो आप लोग रास्ते का व्यू देख रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था ना। गर्मी में गाड़ी में एसी में बैठो और बाहर का व्यू का मज़ा लो तो अच्छा लगता है। बाहर जाके रहने से मज़ा निकल जाता है। तो गर्मी बहुत था और हम लोग ये गर्मी में निकल के जा रहे हैं कहीं पे। ये रहे मिस्टर पुरोहित और पप्पू भैया, और पीछे कौन कौन बैठे हैं मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको नज़ारा। पीछे बैठे हैं हम लोग, सुजाता, स्मिता, मैं, सीमा एंड भैया। तो चलिए हम सब बैठ के जा रहे हैं कहीं पे। कहाँ पे जा रहे हैं मैं आपको बताऊँगी। ठीक एक साल पहले हम लोग इसी रास्ते से गए थे। हमारे रोटरी के बहुत पुराने मेंबर एडवोकेट दुष्मंता नायक सर, वो लास्ट ईयर गुजर गए थे। तो उन्हीं का जो यहाँ पे हुआ था पूजा पाठ, तो हम लोग आए थे यहाँ पे। तो बस इस बार उनका एक साल कंप्लीट हो चुका है, वन ईयर कंप्लीट हो चुका है। देखते ही देखते टाइम ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला कैसे एक साल कंप्लीट हो गया। सर जो हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, वो उनको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं सब कोई। अभी हम उनके मिसेस जो हैं, मैडम अभी हमारे रोटरी में ज्वाइन कर चुके हैं लास्ट ईयर से, और मैडम अभी रोटरियन है और बहुत सपोर्ट करते हैं रोटरी को। तो फ्रेंड्स, हम लोग उन्हीं का आज वन ईयर कंप्लीट हुआ तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारे मेंबर देखिए यहाँ पे अभी जाएंगे हम लोग। तो गाड़ी पार्किंग करके ये हम लोग अंदर आ चुके हैं, हमारे सारे रोटरी मेंबर्स। और ये हैं एडवोकेट दुष्मंत नायक, इनको कौन नहीं जानता सुंदरगढ़ में, सुंदरगढ़ के बाहर सब कोई जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे मिले और फिर हम लोग जाएंगे अभी अंदर। देखिए सर को देखने से, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं देखी, दो तीन बार ही देखी हूँ, पर बाकी सब कोई बहुत अटैच थे बस। और हम लोग ये अंदर जा रहे हैं, चलिए फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे उनका जो भोज दिया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत जन आ चुके हैं, हम लोग ठीक टाइम से पहुँच गए थे। हमारे एक दो फ्रेंड वो अंदर थे, वो लोग भी आएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। तो हम लोग ये आके पहुँच चुके हैं यहाँ पे, सब कोई खाना वाना खा रहे हैं। बहुत अच्छे से अरेंज किया गया था, सबसे ज़्यादा कूलर चारों तरफ लगा था जो कि अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये है मेरे भाभी के फ्रेंड, मेरी भाभी मतलब बलांगीर से, वो मिले और बात किए तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वो बता रहे थे कि मैं कैसे भाभी से बात की, भैया से बात किए थे, वो बलांगीर गए थे, बस यही सब बातें कर रहे थे उनसे। और ये हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए प्लेट यहाँ पे लेके सबको यहाँ पे ले रहे थे खाना। गर्मी तो भाई बहुत था, और यहाँ पे एक ही चीज़ सबसे अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी और ये जो कूलर। जी हाँ, मैं इसको अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, ये बड़ा बड़ा कूलर जो लगा था, इसी के वजह से थोड़ा सा आराम मिल रहा था उसके सामने। और ये आ गया मेरा खाना, देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, प्लेट फुल है, जगह भी नहीं है कहीं पर थोड़ा सा प्लेट में। तो चलिए सब कोई भी ले लिए हैं, चलिए हम भी चलते हैं और अभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद ये सब हम बाहर निकल रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं उनके घर के अंदर। हम जब आ रहे थे थोड़ा भीड़ था, तो यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो उठाएंगे बोल के मैं किसी को फ़ोन दे दी थी, मेरी एक फ्रेंड है उसकी बेटी को, तो वो फ़ोटो उठाएगी। और हम लोग यहाँ पर खड़े थे, तो वही मैं बुला रही थी सीमा को कि इधर आ जाओ बीच में नहीं। तो एक ग्रुप फ़ोटो हम लोग यहाँ पर उठाए एक मेमोरी के हिसाब से। तो देखिए बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत दिनों बाद भी बहुत लोगों से मिले। ऐसे ही तो एक एक पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में सबसे मिलते हैं। अभी तो एक दो फंक्शन चालू होगा, आगे भी आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको पता चलेगा क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं। जी हाँ, चलिए अभी अंदर चलते हैं घर के अंदर। और ये हम लोग घर के अंदर आ गए हैं, और ये देखिए ये दुष्मंत सर के उनके जो नातिन, जी हाँ नातिन है, बहुत ही क्यूट सी थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, क्यूट सी संबलपुरी ड्रेस में थी। और ये है उनकी मिसेस, तो सबसे मिले यहाँ पे। और देखिए स्मिता गुड़िया को पकड़ी है, बिल्कुल नहीं रो रही थी, बहुत ही क्यूट, और इतना हंस रही थी, पर जब मैं शूट कर रही थी तो नहीं हंसी, बाद में बहुत हंस रही थी। देखिए हम उसके साथ थोड़ा सा खेल रहे थे सब कोई, उसके साथ फ़ोटो वोटो उठाएंगे अभी। तो वही हम सब बातें कर रहे थे कि कितनी क्यूट है, चलो फ़ोटो उठा लेते हैं सब कोई बोले। और देखिए प्यारी सी गुड़िया कैसे हो रही है, वो कुछ देख रही थी तो इधर उधर, बिल्कुल नहीं रो रही थी, बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल नहीं रो रही थी, जिसके वजह से उसके साथ खेलने के लिए अच्छा लग रहा था। देखिए क्यूट सी डॉल, और इतना क्यूट संबलपुरी ड्रेस पहनी है ना, उसकी नानी ने बनाया था, अच्छा लगता है ना। और ये देखिए हम लोग फ़ोटो उठा रहे हैं, तो सर का यहाँ पे फ़ोटो था, बहुत जन पहचानते हैं सर को, बहुत रेनाउन लॉयर थे वो, सब कोई जानते हैं, कौन नहीं जानता उन्हें। बहुत जन आए थे, बहुत जनों से मिले, अच्छा लगा।
और ये उनका गांव का घर है, सुंदरगढ़ टाउन में भी उनका घर है, तो गांव के घर में ही उनका सब कुछ पूजा वूजा वहाँ पे किए थे। और ये देखिए बच्ची के साथ सब कोई खेल रहे हैं प्यारी सी गुड़िया के साथ, तो मैं थोड़ा सा वीडियो उठाई, फिर हम लोग वहाँ से बात बात करके निकल आए सुंदरगढ़ के लिए। गर्मी बहुत था, गर्मी में ठंडक दे रहा था, ठंडा ठंडा पानी, थोड़ा सा पानी वानी पिए, फिर भी प्यास नहीं बुझ रहा था। तो वही हम लोग बातें किए रास्ते में कि चलो चलते हैं सुंदरगढ़ में, एक फेमस लस्सी का शॉप है, वहाँ पे चल के लस्सी पियेंगे। तो सबको ही वही बातें करके जा रहे थे, रास्ते में इतना सारा आम का पेड़ ये वो था, पर उतर के हम लोग फिर वहाँ से ले के जाने के मतलब उस हाल में नहीं थे, इतना गर्मी था। जी हाँ, इतना धूप था। और ये आके हम लोग पहुँच चुके हैं माँ तारिणी लस्सी भंडार, जो कि सुंदरगढ़ मेन टाउन में है, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है उसके साइड में, और बहुत ही फेमस है। यहाँ से सब कोई आके लस्सी पीते हैं। तो हम लोग बैठे थे गाड़ी में और ये लोग बाहर जाके ऑर्डर दिए थे और लस्सी आ गया। हम लोग देखिए अभी लस्सी पियेंगे ये वाला, तो ग्लास में भर भर के लस्सी था और सब कोई हम लोग, तो इतना सारा वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स एंड सब कुछ था ना, हमें चम्मच चाहिए था, तो हम लोग फिर एक एक स्पून मांगे और उसको फिर स्पून में ये देखिए वो फिर स्पून दिए, उसको खाएंगे फिर पिएंगे बोल के, बहुत ही टेस्टी था। हाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा ही था मुझे तो लगा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग आ गए हमारे फ्रेंड के घर, जो कि है सुजाता मैडम जी। जी हाँ, सुजाता का एक पार्लर भी है घर में। तो ये घर मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, बहुत पहले यहाँ पे हमारा एक शूट हुआ था श्रीमती कॉम नुवंती, जो कि ईटीवी एक आता था, ईटीवी ओडिया उसमें आता था, तो मैं पार्टिसिपेट की थी, दीदी लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो दीदी लोग का एपिसोड इनके घर में शूट हुआ था श्रीमती कॉम नुवंती का। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा याद, पर घर अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, अलग हो गया है, लोग और भी मतलब आगे बना दिए हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। बस ये देखिए ये सामने उनका पार्लर है और ये पार्किंग एरिया है, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। ये उनका लिविंग रूम है, तो जैसे ही हम लोग अंदर गए, क्योंकि घर में कोई नहीं था, लाइट्स सब ऑफ था, तो वो ऑन की। यहाँ पे एक पेंटिंग है देखिए बुद्ध जी का, ये पेंटिंग कौन बनाया है मैं आपको बताऊंगी, मिला चुकी हूँ एक्चुअली एक दो ब्लॉग पहले, वो मेरे ब्लॉग में आई थी। देखिए सागरिका साहू बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाती है, उसका बहुत अच्छा आइडिया है, वो पेंटिंग वो बनाई थी, तो उनके घर में है। तो देखिए लाइट वाइट ऑन करी, बहुत अच्छा इंटीरियर है इनका, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके, क्योंकि ये एक ब्यूटिशियन है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सुजाता को बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत जगह से मिल चुका है, वो सब यहाँ पे डेकोरेट करके रखी हुई है और यहाँ पे इतने सुंदर से सब कुछ सजा के इंटीरियर बहुत अच्छे से मेंटेन करके है। तो चलिए हम थोड़ा अंदर चलते हैं, बॉयज़ लोग तो बाहर यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं, एसी ऑन हो गया है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर चल के थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो चलिए ये वाला पार्ट था उनके घर में जब मैं आई थी ईटीवी का वो शूट के लिए, बाहर का नहीं बना था, ये अंदर का सब कुछ बना था। देखिए कितना सुंदर से सब कुछ को, सब कुछ छोटे छोटे चीज़ों को कितने सुंदर से डेकोरेट करके रखा गया है, मुझे तो भी बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, डेकोरेशन ऐसे सजा के रखने से छोटे छोटे चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं पूरा ऊपर तक दिखा रही हूँ आपको फ़ोन को पलट के, ये देखिए। तो यहाँ पे सब चीज़ अपनी जगह पे है, घर मतलब सुजाता बोल रही थी घर बहुत पुराना है, मुझे पता है घर पुराना है, लेकिन इतने सुंदर से मैनेज करके मतलब सब कुछ रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ही शूट हुआ था डाइनिंग टेबल एरिया में, और यहाँ पे दीदी और स्वाति का शूट यहाँ पे हुआ था श्रीमती कॉम नुवंती में, उन दोनों का ही शूट हुआ था यहाँ पे, तो मैं भी आई थी उनके साथ। वो एपिसोड पता नहीं कहाँ पे होगा, क्या होगा उतना तो नहीं पता, पर उस टाइम पे टीवी में आया था और हम लोग देखे थे, अच्छा लगा था, प्राइस भी जीते थे उस टाइम पे, D2H या ऐसे कुछ देता था, ऐसे डिश टीवी देता था प्राइस में। मेरा वाला शूट अलग जगह पे हुआ था और यहाँ पे ये वाला शूट हुआ था। तो ये देखिए हम लोग बस घर से अभी निकल रहे हैं, ये लोग तो जा चुके हैं, तो मैं बस उनका गार्डन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे प्लांट्स होता है ना वहाँ पे अच्छा लगता ही है ना, दिल खुश हो जाता है, फ्रेश लगता है। उसके बाद ये हम लोग वहाँ से निकल गए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, थैंक यू, बाय।